गुड इवनिंग एवरीबॉडी, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल ड्रीम 11 ग्रैंड लीग टीम्स में। और अगर आप ये देख रहे हैं ड्रीम 11 नर्ड में, जो हमारा दूसरा नया चैनल है, वहाँ पे भी हमारे नए सब्सक्राइबर्स और नए व्यूअर्स जो हमारे साथ जुड़े हैं अभी, उन लोग के लिए हमारा ड्रीम 11 नर्ड हमारा दूसरा चैनल है। जो इस चैनल पे फॉल्स कॉपीराइट स्ट्राइक्स आई थी, इसलिए हम उस पे शिफ्ट कर सकते हैं अगर एक और स्ट्राइक आती है इस पे तो। और कल को ये चैनल अचानक से बंद हो जाता है, तो इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन के लिए हम उस पर शिफ्ट होंगे। तो वो चैनल आपके आई बटन और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज अब जो हम मैच रिव्यू करने वाले हैं वो है आफ्टर आई कैन नॉट से कितने सारे रिक्वेस्ट, बट ये मैच जो आपको दिख रहा है ये हम रिव्यू करेंगे, ओटागो वोल्ट्स वर्सेस कैंटरबरी का न्यूजीलैंड ODD में। बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस है, इसको देखते रहिएगा। और उससे पहले कुछ बातें ज़रूरी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये मैच शायद मैं ODD नहीं रिव्यू करता अगर आप लोग के मैसेजेस नहीं आते। और जैसे जितने सारे मैसेजेस आए हैं, इतने सारे मेल्स आए हैं कि मैं बता नहीं सकता। थैंक यू सबके लिए, आपके एक्सपेक्टेशंस बहुत हैं मेरे से, लेकिन मेरी भी कुछ एक्सपेक्टेशंस है जो पूरी नहीं हो रही है। प्लीज़ अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, आप जानते हो ये डोमेस्टिक कंट्री का डोमेस्टिक रिव्यू करना कितना मुश्किल है। आप मेरे एनालिसिस जानते हो कि अगर मैं किसी भी चीज़ को एनालाइज करता हूँ तो मैं आधा अधूरा नहीं करता, नहीं तो मैं नहीं करता हूँ। अगर करता हूँ तो मैं इतना अच्छा करता हूँ, इतने डेप्थ में करता हूँ कि आपको कभी दिक्कत ना आए, एटलीस्ट आपको इन्फॉर्मेशन सारी मिल जाए। बाकी गेम्स तो ऑब्वियसली लक पर डिपेंड करता है काफ़ी कुछ। तो प्लीज़ लाइक करें बिना आगे मत बढ़ना। अगर आप ऐसे ही वीडियोस और चाहते हो, ऐसे ही डोमेस्टिक T20s हो, फर्स्ट क्लास हो या ODIs हो, लिस्ट हो, रिव्यू चाहते हो मेरे से, तो प्लीज़ लाइक करते रहना। बस मैं आपसे एक लाइक मांग रहा हूँ मेरे इतने घंटों की मेहनत का, प्लीज़ लाइक करके आगे बढ़ना। बहुत 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 ज़्यादा हेल्प करता है मुझे ये, आगे मोटिवेट करता है आगे वीडियोज़ बनाने के लिए। तो हम और पिछले मैचेस का भी मैं बात करूं, मैंने आपसे कहा था मुझे श्रीलंका और इंडिया का जो मैच है, मुझे लग रहा था तीन चेंजेस होंगे। मैंने मेंशन भी किया था रोशन सिल्वा और जो बाकी दो धनंजय डिसल्वा और इनफैक्ट लक्षण संदाकन का, उन तीनों हुए थे। मुझे उम्मीद थी क्योंकि लास्ट मैच है, श्रीलंका एक्सपेरिमेंट करना चाहेगा, वो तीनों हुए। और इवन इंडिया की तरफ से मैंने ओपनिंग बोला था लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन उतरेगा, वही हुआ था। और नीचे शमी आएंगे उमेश की जगह, और ऑलमोस्ट सारे सही थे, 90-95% चीज़ें एनालिसिस सही था। और आप देख रहे हो 400 के पास जाएगा स्कोर जिस हिसाब से इंडिया की कंडीशन है, तो वो भी एक एनालिसिस था, सेम न्यूजीलैंड वेस्ट इंडीज़ में हुआ। तो हमारे एनालिसिस, अगर आप पुराने सब्सक्राइबर हो आपको पता है, अगर आप नए हो तो आपके लिए मैं बता रहा हूँ कि इस चैनल पे जो भी कुछ आपको मिलेगा ये मैं गारंटी दे सकता हूँ आपको कहीं नहीं मिलेगा। और अगर आप चाहो तो आप किसी भी सब्सक्राइबर से पूछ भी सकते हो, आप कमेंट चेक कर सकते हो। और इसीलिए मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स और जो पुराने व्यूअर्स हैं उनके लिए प्लीज़ कमेंट करते रहिएगा, लोगों को पता चलना चाहिए कि आपको कैसा लग रहा है, क्या फीडबैक है आपका, जेन्युइन फीडबैक क्या है, ये आपको मेंशन करते रहिएगा। मुझे मोटिवेशन मिलेगा, लोगों को भी अच्छा लगेगा देख के कि इस चैनल का फीडबैक ओवरऑल क्या है। तो हम ने बहुत बात कर ली, अब हम चलते हैं कैंटरबरी और ओटागो वोल्ट्स का। ये एनालिसिस है लेकिन एक बाइबल है एक तरीके से इस मैच के लिए। अगर आपने ये देख लिया तो मैं गारंटी दे सकता हूँ एटलीस्ट आपके प्लेयर्स नहीं मिस होने चाहिए जो खेल रहे हैं, उसके बाद बाकी सब लक पे डिपेंड करता है। आपको ये पता चल जाएगा कैप्टन वाइस कैप्टन कौन बनाना है, तो काफ़ी कुछ आपको इस चीज़ से क्लियर हो जाएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। ये है फोर्ड ट्रॉफी, इसको कहते हैं फोर्ड ट्रॉफी, ये है लिस्ट ए ट्रॉफी। अभी तक हम बहुत सारी T20s देख रहे थे, ये लिस्ट ए का मैं एक वीडियो में पूरा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है मैंने। फर्स्ट क्लास इज टेस्ट क्रिकेट, डोमेस्टिक टेस्ट क्रिकेट, लिस्ट ए इज ODI डोमेस्टिक मैचेस, और T20s तो आप देखते ही हो जो T20s मैचेस होते हैं। लिस्ट ए मतलब 50 ओवर क्रिकेट है ये न्यूजीलैंड का। तो अब वहाँ पे कैंटरबरी डिफेंडिंग चैंपियंस हैं, इन्होंने पिछले साल वेलिंगटन को हरा, पिछले साल क्या इसी साल के फेब्रवरी की बात है, वेलिंगटन को हराया था लास्ट मैच में इस टूर्नामेंट में। टोटल 6 टीम्स हैं, 28 मैच होंगे, कल से शुरू हो रहा है ये टूर्नामेंट और कल 3 मैचेस हैं। हम एक कवर कर रहे हैं, एक बार देखते हैं कैसा जाता है, उसके बाद हम फर्दर और मैचेस भी कवर करेंगे, और तभी करेंगे जब आपके लाइक्स और कमेंट्स आएंगे इसको लेके। क्योंकि ये एक ऐसा टूर्नामेंट है जो ज़्यादा लोग को इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, इतने ज़्यादा डेप्थ में कोई जाता भी नहीं है। आपको ऊपर सब लोग टीम दे देंगे कि ये खेलेंगे मेरे हिसाब से, ये मेरे हिसाब से वो, बट इस चैनल पे आपको स्टैट्स मिलेंगे और असली इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि कौन सा प्लेयर किस हिसाब से खेलता है, क्या उसका हिस्टोरिकल रिकॉर्ड कहता है कि वो टीम में रहेगा कि नहीं, या उसको कैप्टन या वाइस कैप्टन बनाओ या नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आज हम देख रहे हैं ये मैच, तो इस मैच में हम कैंटरबरी और ओटागो वोल्ट्स, जो सेकंड मैच होगा, ये है एनालिसिस सेकंड मैच का मेनपावर ओवल में रंगोरिया से। तो अब यहाँ पे कैंटरबरी का मैं एक हिस्ट्री बता दूँ, उन्होंने ट्रॉफी लास्ट ईयर जीते थे और ओटागो
ने ट्रॉफी नहीं जीती 2008 से, दो बार टोटल जीती और 2008 से तो एक बार भी ट्रॉफी नहीं जीती फोर्ड की। तो एक तरीके से ओटागो आप समझ रहे हो कि किस लेवल की टीम है, कैंटरबरी टॉपर्स हैं, टॉप में सबसे टेबल टॉपर्स भी रहने चाहिए। तो अगर मैं पिच की बात करूं तो पिच में कैंटरबरी का ये होम ग्राउंड है, एक और एडवांटेज। और इस सीज़न, इससे पिछले वाले सीज़न में, जो भी ज़्यादा पुराना भी नहीं, इसलिए मैंने वही एनालाइज करा है क्योंकि वो फरवरी का ही है, तो दिसंबर से फरवरी के बीच में हुआ था, तो उस सीज़न में तीन मैचेस खेले तो तीनों ही जीते थे। अब उनमें परफॉर्म किसने किया था तीन मैचेस में, टॉड एस्टल। ये उन लोग के नाम मैं बता रहा हूँ जो नए हैं उन लोग के लिए भी, आप बाकी लोग तो जानते हो मैं कैसे एनालाइज करता हूँ। मैं इन जो अभी एनालिसिस करूँगा यहाँ उन लोग के नाम लूँगा जो इस स्क्वाड में प्रेजेंट है। और सबसे अच्छी बात है कि इन दोनों टीम्स ने अपने स्क्वाड अनाउंस कर दिए हैं 13 और 12 प्लेयर्स का, तो मैं उन्हीं लोग के नाम यहाँ बता रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन भी ना हो कि ये प्लेयर है नहीं है। अब आपके पास बस आपको सिलेक्शन पता चल जाए किसका करना है। ये वीडियो देखने के बाद, भले ये 25-30 मिनट का वीडियो हो, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आपको ये इस मैच का श्योर शॉट प्लेयर्स पता चल जाएंगे, आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि किसको कैसे कौन प्लेयर आपको सेलेक्ट करना है। टॉड एस्टल, इनका आपने नाम सुना होगा, इंटरनेशनल क्रिकेट में भी हैं ये, 60 रन बनाए थे उन मैचेस में, उस सीरीज में, तीन मैचेस की बात कर रहा हूँ जो जीते थे, जो इस ग्राउंड पे जीते थे, और दो दो विकेट लिए। लेग स्पिनर हैं ये, कैम फ्लेचर ये इनके कीपर हैं, 42 रन बनाए थे एक मैच में। टी जॉनसन ऑफब्रेक बॉलर हैं, बैटिंग बॉलिंग दोनों में करते हैं, टॉप सिक्स में बैटिंग करते हैं, तीन और दो विकेट भी लिए थे, ऑफब्रेक बॉलर हैं। एलिस ये अब कैप्टन बन गए हैं, पिछली बार फुलटन थे वो रिटायर हो गए, तो एलिस राइट आर्म फास्ट बॉलर है, दो विकेट और फोर विकेट फाइनल्स में लिए थे, तो बनता भी है इनका, काफ़ी अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। और उस इसी ग्राउंड की बात कर रहा हूँ, ये ध्यान रखिएगा, ये जो व्हीलर हैं ये इस इन दोनों टीम्स में से किसी में से नहीं है, लेकिन इन्होंने चार विकेट लिए थे, मतलब लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर ने। तो आपको इससे ये एनालाइज हो के ये पता लग रहा है कि ये पिच स्पिनर्स और फास्ट बॉलर्स दोनों को फेवरेबल करती है, अगर ठीक ठाक स्पिनर है तो वो भी चल रहा है और फास्ट बॉलर्स भी। और सबसे बड़ी बात है कि इस पिच पे स्कोर्स भी बहुत बनते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो तीन मैचेस की मैं बात कर रहा हूँ जिसमें कैंटरबरी खेला था, एक में 300 पार गया था, एक में 20 ओवर में 200 रन गए थे, एक में 220 गया था, कम था स्कोर क्योंकि दूसरी टीम ने बैटिंग करी थी, लेकिन जब भी कैंटरबरी खेला है तो आप देख लो स्कोर 10 का एवरेज है, एक में 6 का एवरेज है, 20 ओवर का शॉर्टन हो गया था बारिश की वजह से, इसलिए 20 ओवर का मैच हुआ था वो। तो हाई स्कोरिंग भी है और विकेट्स भी मिलते हैं, तो मेरे हिसाब से आपके पास बैटिंग और ऑलराउंडर का मिक्स होना चाहिए अपनी टीम में, और बहुत अच्छी टीम बनी है। मैं अगर आप में से टीम जो मैंने बनाई आप वो देखोगे तो आप खुद सोचोगे कि यही टीम में से यही टीम होगी जो जीतेगी। कैप्टन वाइस कैप्टन लोग ऑब्वियसली थोड़ा चेंज रखेंगे, तो आप देखते रहना आगे। वेदर कंडीशन क्या है, 15-25 डिग्री जैसे न्यूजीलैंड का टेम्परेचर होता है वैसा है। अब हेड टू हेड देखें तो 2011 से देखा है, मैं ज़्यादा पीछे नहीं गया, 2011 से चेक करा, उसमें टोटल मैचेस 8 हुए जिसमें से 6-2 कैंटरबरी के फेवर में है। अगर लास्ट 5 देखें तो 4-1 कैंटरबरी के फेवर में। तो अब सारी कहानी अगर मैं आपको ऊपर से नीचे तक समराइज एक बार मैं करूं तो कैंटरबरी ही फेवरेट है इस मैच का, और आपके पास प्लेयर्स भी कैंटरबरी के ज़्यादा होने चाहिए। की ऑब्जर्वेशन क्या है कि कैंटरबरी ने जब भी ओटागो से मैचेस जीते हैं तो उसमें से पहले बैटिंग करी है, तो स्कोर ज़्यादा कर देते हैं, उसके बाद कैंटरबरी की बॉलिंग ओटागो को ले लेती है, ऑल आउट कर देती है। कैंटरबरी ने हमेशा 220 के ऊपर स्कोर किया है, 280 तीन बार किया है और 300 दो बार किया है, मतलब इन्हीं पांच मैचेस की बात कर रहा हूँ मैं। तो कैंटरबरी की बैटिंग ओटागो की बॉलिंग को बहुत अच्छा खेलती है, इससे ये भी पता चल रहा है। और 2018 फरवरी का स्टार्ट है तो ज़्यादा पुराना भी नहीं है, आप इस पर काफ़ी कुछ रिलाई भी कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके ऑलमोस्ट 7-8 प्लेयर सेम है, बाकी 4-5 प्लेयर्स बदले हैं, वो मैं बताऊंगा कौन कौन सेम है कौन कौन बदला है, तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा। स्क्वाड में भी ज़्यादा कुछ छेड़खानी नहीं है। अब रीसेंट फॉर्म देखें तो कैंटरबरी ने पिछले 5 मैचेस, ये सब कुछ मैं लिस्टे का बता रहा हूँ, मतलब जो 50 ओवर क्रिकेट है, यहाँ मैं मेंशन नहीं कर रहा हर बार, लेकिन ये सारे कुछ लिस्टे के हैं। लास्ट 5 मैचेस में कैंटरबरी 4 विंस और 1 लॉस, ओटागो 3 विंस और 2 लॉसेस। कैंटरबरी ने सारे मैचेस जो जीते हैं वो बैटिंग फर्स्ट करते हुए जीते हैं, ओटागो ने जीता एक मैच बैटिंग फर्स्ट करते हुए, एक हारा है, तो कुछ खास ट्रेंड नहीं है इनका, लेकिन कैंटरबरी अगर बैट फर्स्ट करता है तो नॉर्मली वो जीतता है, ये दिख रहा है। अब लास्ट सीजन के परफॉर्मेंस कौन थे कैंटरबरी के, तो बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि ये ऑब्वियसली ये डिफेंडिंग चैंपियंस भी है तो होंगे ही। हेनी निकोल्स या हेनी, ये न्यूजीलैंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर आपने देखा हो वेस्ट इंडीज़ के साथ, ये थे हाईएस्ट रन गेटर, तो इनके बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं है, अभी स्क्वाड में नहीं है। सी मैकॉन्की, ये 9th बेस्ट बैटिंग एवरेज था इनका, 49.25, ये कुछ ही मैचेस में खेले थे और उस मैचेस में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था, ये स्क्वाड में है, अच्छे प्लेयर हैं। टी जॉनस्टन 5 बेस्ट विकेट्स में थे और 14 विकेट लिए थे, ऑफ स्पिनर हैं ये,
अच्छा एक चीज़ और जो नए हैं उन लोग के लिए भी, जब मैं आगे आपको प्लेयर्स बताऊंगा वहाँ पे ऑफ स्पिनर लिखा होगा तो इसका मतलब राइट आर्म है, जब मैं लेफ्ट आर्म मेंशन करूंगा तभी बंदा लेफ्ट आर्म होगा, नहीं तो सारे राइट आर्म स्पिनर हैं। इससे अगर आप थोड़ा बहुत क्रिकेटिंग नॉलेज भी रखते हो और नहीं भी रखते हो तो आपको ये पता चल जाएगा कि राइट हैंडेड के लिए लेफ्ट आर्म स्पिनर खेलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स खेलना, बॉल जो बाहर जाती है, तो इसलिए मैं आगे डिटेल भी बताऊंगा तो वो आप लोग के लिए एडवांटेज रहेगा। एलिस जो कैप्टन है जॉइन फोर्थ बेस्ट थे मोस्ट नंबर ऑफ विकेट लास्ट सीजन में 12 विकेट, थर्ड बेस्ट एवरेज या फोर्थ बेस्ट इकॉनमी, तो बहुत अच्छे बॉलर हैं। टॉड एस्टल बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, विकेट्स में लास्ट सीजन में फोर्थ बेस्ट थे और इनफैक्ट बैटिंग में भी, ये वीक है नहीं टीम में तो इनके बारे में डिस्कस करने का फायदा नहीं। डब्ल्यू विलियम्स हैं सेकेंड बेस्ट इकॉनमी था, कुछ मैचेस खेले थे, शायद 5 मैचेस खेले थे मेरे हिसाब से, और उसमें से सेकेंड बेस्ट इकॉनमी इनका था। फ्लेचर इनके कीपर हैं और सेकेंड बेस्ट कीपर थे पिछले बार 12 डिसमिसल के साथ। ये तो हो गई कैंटरबरी का, ओटागो का हालत देखिए कितना बुरा हो रखा है कि टॉप स्कोरर में पूरे सीजन में कोई था ही नहीं। अगर एवरेजेस की बात करूं तो अनारू किचन जो आपको दिखेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, इनके 48.50 का इनका एवरेज था और यही इकलौते प्लेयर थे इस टीम में जिसने 100 बनाया था, एंड इवन ये विकेट्स में भी 7th बेस्ट है। और सबसे अच्छी बात है ये आपको बैट्समैन में दिखेंगे, मतलब ऐसा प्लेयर जो बॉलिंग भी करा रहा है, विकेट्स में भी है और ऑलराउंडर की जगह भी नहीं ले रहा, क्योंकि जब आप सेलेक्ट करोगे आपकी सबसे बड़ी सरदर्दी होगी ऑलराउंडर सेलेक्ट करना, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे ऑलराउंडर है और सारी टीम दोनों टीम्स ऑलराउंडर पर ही मैच जीतेगी अगर जीतेगी तो इसीलिए ये प्लेयर बैट्समैन में ये अच्छा ऑप्शन है, इसको मिस मत करना आप। एम ब्रेसवेल ये स्क्वाड में नहीं है तो इनके बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं। जिमी नीशम जानते होंगे जो क्रिकेट फॉलो करते हैं, न्यूजीलैंड इंटरनेशनल है और कुछ मैचेस खेले थे इन्होंने, शायद 6 मैचेस खेले थे। 6 बेस्ट है मोस्ट नंबर ऑफ विकेट्स के, 5th बेस्ट बॉलिंग एवरेज है, 5th बेस्ट स्ट्राइक रेट है, तो सब कुछ अच्छा है। 20 का स्ट्राइक रेट मतलब अगर 10 ओवर कराएंगे तो 3 विकेट ले लेते हैं, कम मैचेस खेले थे इसलिए 6 बेस्ट ही रहे, नहीं तो ये ऊपर चले जाते। एम रिपॉन ये आपको अगर नहीं भी फॉलो करते हो क्रिकेट तो मैं बता दूं, ये नीदरलैंड्स के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं और यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं ओटागो को, 3rd बेस्ट इकॉनमी था इनका। अब दोनों टीमों ने अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया है तो आपको ड्रीम 11 में काफ़ी लोग ऐसे मिलेंगे जो है ही नहीं स्क्वाड में, प्लीज़ उनको पिक मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आ रही हैं, देखते रहिएगा आगे टीम एनालिसिस। अब कैंटरबरी का 13 प्लेयर का स्क्वाड है, अब जो मैं यहाँ एनालिसिस बताऊँगा आपको इसके नीचे से, ये सारे एनालिसिस विद इन द टीम परफॉर्मेंस के हैं लास्ट सीज़न के, मतलब लास्ट सीज़न में कौन सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा था और किसका फॉर्म अच्छा चल रहा है ये पता लग जाएगा। लास्ट सीजन में टॉप 2 प्लेयर्स थे, उनमें से एक फुलटन थे, वो रिटायर हो चुके हैं तो वो आपको स्क्वाड में भी नहीं दिखेंगे, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन। निकोल्स इंटरनेशनल ड्यूटीज़ के बाद वापस आएंगे तो अभी तो नहीं है, अभी आपको दिखेंगे भी, सेलेक्ट मत करना, और लेकिन अभी एज ऑफ नाउ स्क्वाड में नहीं है। तो स्क्वाड में कौन कौन है, कैप्टन इनके बारे में बता चुका हूँ, सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर, सेकंड बेस्ट इकॉनमी है टीम के अंदर, और इवन देखिए हाईएस्ट 101 एवरेज 31 बैटिंग का भी, तो ऑलराउंडर अच्छे खासे ऑलराउंडर हैं, आप ले सकते हो इनको। टॉड एस्टल के बारे में बता दिया मैंने, लेग ब्रेक बॉलर हैं, बैटिंग में 32 का एवरेज है, 3rd हाईएस्ट विकेट टेकर, 5th बेस्ट इकॉनमी। अच्छा अब एक चीज़ आप देखिए, नया कुछ आपको यहाँ दिख रहा है, 1-2 ऐसे करके लिखा है, इसका मतलब है कि ये प्लेयर्स पिछली बार नहीं खेले थे, तो जो आपके नंबर्स ऐसे ब्रैकेट में दिखेंगे ना आगे चल के, ये प्लेयर्स पिछली बार नहीं खेले थे तो मतलब एक्सपीरियंस नहीं है प्रायर, तो मैंने इनके बारे में बता दिया ये करते क्या हैं, लेकिन ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे मेरे पिक्स में। तो जब मैं आपको मस्ट पिक्स बताऊंगा तो भी मैं बोलूंगा आपसे कि नंबर वाले प्लेयर्स में से मत लेना, क्योंकि ये खेल भी सकते हैं नहीं भी खेल सकते, कौन खेलेगा कुछ श्योरिटी नहीं है, एक बार एवरेज इसका इनका रिकॉर्ड देख के फिर सेलेक्ट कर लेना वो भी बेटर है, लेकिन रिस्क लेना हो तो इनमें से लेना, नहीं तो सेफ खेलना हो तो नंबर्स वाले प्लेयर में से मत लेना जहाँ पे ये नंबर्स लिखे हैं। तो अब ये बेंटन, ये पहला जो नंबर लिखा है, ये पिछली बार नहीं खेले थे, बहुत ही यंग है और अंडर-19 खेले थे, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है। और फिर बॉयस ये इंपॉर्टेंट प्लेयर है, ये बैटिंग में आपको इकलौते प्लेयर दिखेंगे कैंटरबरी के जो आप ले सकते हो, अच्छे प्लेयर जिसमें जो एक तो यंग नहीं मतलब एक्सपीरियंस है पिछले सीजन का, और पिछले सीजन का भी कुछ खास एवरेज नहीं है, लेकिन इनका लिस्ट है बैटिंग एवरेज 40 है, तो ये 4th हाईएस्ट स्कोर थे विद इन द टीम, लेकिन विद इन द टीम में भी बहुत नीचे थे। तो पिछली बार क्योंकि निकोल्स और फुलटन ही सब कुछ सारा मैच वही लोग कवर कर लेते थे तो इन लोग का ज़्यादा स्कोर भी नहीं होता था, ज़्यादा बैटिंग नहीं आती थी, और एवरेज एक चीज़ बताता है कि आप कितने कंसिस्टेंट हो। तो अगर आप ये भूल के आप ये देखो लिस्ट है बैटिंग एवरेज 40 का, इससे पता चलता है बहुत कंसिस्टेंट है। लियो चार्टर ये सेकेंड नंबर लिखा हुआ है, ये दूसरे हैं नए चेहरे इस बार, ऑफ्रेक हैं, थोड़ा बहुत बैटिंग कर लेते हैं, लेफ्ट हैंडेड बैट है। LHB लिखा हुआ है, जहाँ पे L लिखा हुआ है वो मतलब लेफ्ट हैंडेड है, जब मैं ये नहीं लिख रहा इसका मतलब सब राइट हैंडेड है। डेविडसन ये 3 लिखा है, मतलब ये तीसरे नए प्लेयर हैं, इनका ये हैं ठीक ठाक प्लेयर, इनका डिसेंट फर्स्ट क्लास रन रहा है, यंग है, 440 के स्कोर हैं, 100 है लास्ट 10 मैचेस में, फर्स्ट क्लास में है, लेकिन फर्स्ट क्लास मतलब टेस्ट मैचेस में, तो ये ध्यान रखिएगा, शायद इनको जगह मिल सकती है इस परफॉर्मेंस बेसिस पे। इस नंबर में अगर मैं बात करूं तो अच्छा चांस बनता है डेविडसन का,
कीपर हैं इनके, कोर्ट फ्लेचर यही खेलेंगे, कैम फ्लेचर हैं, डिसेंट विथ बैट लिस्ट है, एवरेज 22 है, ठीक ठाक है बैटिंग में। जॉनसन ये बहुत ज़रूरी प्लेयर हैं, खेलेंगे खेलेंगे, ऑफ स्पिनर हैं। मैं उन लोग के लिए भी बोल रहा हूँ खेलेंगे खेलेंगे जो पिछली बार का एक्सपीरियंस है, ये मतलब मेरा एनालिसिस है, इनको खेलना ही चाहिए अगर कोई इंजरी नहीं होती, और क्योंकि स्क्वाड 13 का है तो ऑब्वियसली इनको खेलना ही चाहिए। तो ये ऑफ स्पिनर हैं, हाईएस्ट विकेट टेकर थे लास्ट सीजन में, थर्ड बेस्ट इकॉनमी थी, बैटिंग भी करते हैं, स्ट्राइक रेट बैटिंग का देखो 145 इन लिस्ट है, मैचेस है ऑन एवरेज ऑफ 14.57, एवरेज बैटिंग का कुछ खास नहीं लेकिन स्ट्राइक रेट अच्छा है, हिटिंग करते हैं। मैं कॉन्की ऊपर मैं बता चुका था, फिर से सिक्स्थ हाईएस्ट स्कोर है लास्ट सीजन के, और बॉलिंग भी कराए 30 ओवर कराए थे पिछले सीजन में। एम पोलार्ड ये राइट हैंड बैट हैं, फोर्थ नंबर दिख रहा है, इसका मतलब ये नए प्लेयर हैं, लिस्ट है, बैटिंग एवरेज अच्छा है इनका तो। और एफ शीट ये राइट हैंड बैट है, मीडियम पेस बॉलिंग कराते हैं, सिर्फ 5 इनिंग करी है, 2017 में डेब्यू हुआ। तो मेरे हिसाब से जो अगर नंबर्स में आप पिक करना तो आप पोलार्ड और यहाँ से डेविडसन, ये दो प्लेयर्स, और 13 का स्क्वाड है तो मेरे हिसाब से जो प्लेयर्स लेफ्ट आउट होंगे वो चार्टर और बेंटन, ये दोनों होने चाहिए, ये दोनों होने चाहिए, और एफ शीट इनको मौका मिलना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये मेरा एनालिसिस कहता है, और इनमें दो प्लेयर और हैं, बेन स्टोक्स के बारे में कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं नाम लिख दिया, बहुत है इनका नाम ही आपके लिए, और ये खेलेंगे कल के मैच में, प्रैक्टिस करते हुए देखा गया है, और काफ़ी अल्टरकेशन चल रहे हैं, मतलब काफ़ी सारा डिस्कशन हो रहा है कि अगर इंग्लैंड नहीं खेलने दे रहा इनको तो फिर इनको न्यूजीलैंड क्रिकेट डोमेस्टिक में क्यों खिला रहा है, लेकिन अभी एज ऑफ नाउ जो इन्फॉर्मेशन है खेलेंगे। रखिएगा आप टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन, ऑब्वियसली सब लोग बनाएंगे इनका नाम देख के। डब्ल्यू विलियम्स ये मीडियम पेस हैं, पिछली बार का बेस्ट इकॉनमी था इनके पास। तो अगर मैं आपको मस्ट पिक्स बताऊंगा तो मतलब मैं सेफ 11 बताऊंगा तो जो नंबर्स को हटा दो तो 7 या 8 प्लेयर हैं वो सारे खेलेंगे। नंबर्स में से जो 1, 2, 3, 4, 5 लिखा है इनमें से कोई दो प्लेयर खेलेंगे तो 11 हो जाएंगे, 2 या 3 प्लेयर खेलेंगे तो 11 हो जाएंगे। ओटैगो का 12 मेंबर्स का स्क्वाड है, उनमें अब आप ये जो सबसे पहला नाम देख रहे हो ये खेला ही नहीं था पिछली बार, आर निकोल, अब इनको कैप्टन बना दिया तो कुछ तो खास बात होगी, अब कैप्टन बनाया तो खास बात क्या है। देखिए आरएचबी ये इसमें मत जाइएगा, ये 5th नंबर लिखा है, ये खेले नहीं थे लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पिक है आपके लिए, क्यों है क्योंकि देखो ये बैटिंग भी कर रहे हैं, मीडियम पेस बॉलिंग भी कर रहे हैं, और बीच बीच में ऑफ ब्रेक भी कराते हैं, बैटिंग एवरेज 35 का है, हाईएस्ट 171 का, ये सारे लिस्टे के बैटिंग एवरेजेस बता रहा हूँ मतलब वनडे के, तो वनडे में 171 का हाईएस्ट बहुत कुछ कहता है। बॉलिंग एवरेज 36 का है, इकॉनमी देखो 4.92 का है, बेस्ट है 5 विकेट हॉल, मतलब काफ़ी अच्छा इनका है, काफ़ी अच्छा ओवरऑल आपको ऑलराउंडर बन सकते हैं ये, और सबसे अच्छी बात है ऑलराउंडर में मिलेंगे नहीं आपको, बैट्समैन में मिलेंगे, तो एक अच्छी पिक है जब आप ओटैगो के हिसाब से बनाओ और ओटैगो को जो लटफेयर कर दे। और लास्ट 10 मैचेस सारे फर्स्ट क्लास मैचेस थे, टेस्ट मैचेस थे, लेकिन इनका परफॉर्मेंस देखिए, स्टार्ट सब में लिए, 100 किसी में नहीं बनाया लेकिन सब में ऑलमोस्ट डिसेंट स्टार्ट है इनका, दिख रहा होगा आपको, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर है। एम बेकन ये 1 नंबर है, ये नए प्लेयर हैं इस बार के, लिस्ट है, मैच अभी तक नहीं खेला इन्होंने, सिर्फ फर्स्ट क्लास में डेब्यू हुआ था, मेरे हिसाब से ये बैठेंगे, इनको नहीं खिलाना चाहिए। बार्नेस ठीक ठाक प्लेयर हैं, मीडियम फास्ट है, पिछली बार नहीं खेले थे, लिस्ट है, इकॉनमी 4.80 का, एवरेज 28 का, 4 ही मैचेस खेले हैं, और रिसेंटली लास्ट मैच में इन्होंने 15 नवंबर को हुआ था लास्ट मैच, उसमें 4 विकेट लिए थे। एन ब्रूम इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं आपके लिए, बैटिंग में आपको ये एक इंपॉर्टेंट पिक हो सकते हैं, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है और मीडियम पेस थोड़ी बहुत बॉलिंग कराते हैं, लिस्ट है, बैटिंग एवरेज 38 का, हाईएस्ट 164 का है, तो ये इंपॉर्टेंट पिक हो सकते हैं आपके लिए। डी बॉर्डर विकेट कीपर है, मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगा विकेट कीपर हमेशा कैंटरबरी का लेना क्योंकि ये काफ़ी नीचे आते हैं बैटिंग करने, पिछली बार के 5th हाईएस्ट स्कोर विद इन द टीम थे लेकिन बहुत कम एवरेज था, तो ऐसा हो सकता है कि फ्लेचर की शायद बैटिंग ना आए, उनकी बैटिंग आ जाए, लेकिन अगर बैटिंग आएगी भी तो जो इनका रिकॉर्ड कहता है वो उतना अच्छा बैट्समैन है नहीं, वो काफ़ी नीचे आते हैं। डफ़ी सेकेंड विकेट कीपर हैं इस टीम में, तो ऐसा भी हो सकता है कि पिछली बार डी बॉर्डर को पूरे मैचेस खिलाए थे तो शायद इस बार डफ़ी को ट्राई करें, लेकिन इनका बैटिंग एवरेज तो और गया गुजरा है 15 का है, तो डाउट है किसको खिलाएंगे, इसलिए मैं फ्लेचर के साथ ही जाऊंगा। हिक्स ये तीसरे प्लेयर हैं जो नए थे, पिछली बार नहीं खेले हैं, 11 लिस्ट है, मैचेस खेले, इकॉनमी 5.81 का, थोड़ा बहुत बैटिंग कर लेते हैं। हंटर ये अच्छे पिक हैं आपके इस बॉलिंग में, ये जॉइंट 4th हाईएस्ट विकेट टेकर थे पिछली बार, विद इन द टीम की बात कर रहा हूँ, ये ध्यान रखिएगा, ये सारे स्टैट्स जो अब दिखा रहा हूँ मैं प्लेयर्स के नाम के आगे विद इन द टीम है, विद इन द टीम ये 4th हाईएस्ट थे और 5th बेस्ट थे इकॉनमी में। सबसे ज़रूरी प्लेयर का नाम अगर मैं आपको बताऊं इनकी तरफ, यही अनारू किचन, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स हैं, सबसे बड़ा एडवांटेज है इनके पास क्योंकि अपोजिट टीम में आधे से ज़्यादा प्लेयर आपके राइट हैंडेड हैं, पिछली बार के हाईएस्ट स्कोरर थे विद इन द टीम, हाईएस्ट एवरेज था और सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर भी थे, आपको समझ आ रहा होगा कितना इंपॉर्टेंट है। जेम नीशम के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं, इंटरनेशनल प्लेयर हैं, 8th हाईएस्ट स्कोरर थे, 4th बेस्ट बैटिंग एवरेज था, हाईएस्ट विकेट टेकर थे इस टीम के। माइकल रिपोन ये मैंने बताया था आपको, ये खास बात है, ये लेफ्ट आर्म चाइना में है,
लेफ्ट आर्म चाइनामैन मतलब जैसे कुलदीप यादव इंडिया की तरफ से बॉलिंग कराते हैं, तो बहुत अच्छे पिक होंगे आपके लिए और ये खेलने चाहिए, इंटरनेशनल पिक है। नीदरलैंड के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं, बेस्ट इकोनॉमी था इनका पिछले सीजन में 4.31 का, थर्ड हाइएस्ट स्कोरर भी थे, थर्ड बेस्ट एवरेज था लास्ट सीजन जो था, फोर्थ हाइएस्ट विकेट टेकर थे, काफ़ी कुछ था इनके पास। हैमिश ये एच रदरफोर्ड ये लेफ्ट हैंडेड बैट हैं और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स हैं, मेरे हिसाब से ये खेलेंगे क्योंकि लिस्टेड बैटिंग एवरेज 32 है 500 और 850 के साथ, 150 और 100 है लास्ट दो फर्स्ट क्लास मैचेस में, शायद इनको खिलाएंगे। और ये 13 का स्क्वाड है तो मेरे हिसाब से जो नंबर्स लिखे हैं इसमें से मुझे ऐसा लग रहा है कि डफ़ी को शायद बैठना पड़ सकता है और एक प्लेयर और होगा जो आप देख लो इस नंबर्स में जिसका परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं है, शायद बेकन को बैठना पड़ सकता है, और बाकी 11 यही खेलेंगे जो आपको दिख रहे हैं। इनफैक्ट सिर्फ बेकन को बैठना पड़ेगा क्योंकि 12 का ही स्क्वाड है ये, तो शायद इन्हीं को बैठना पड़ेगा, बाकी 11 यही रहेंगे। तो मेरे मस्ट पिक्स में क्या है, मैं मस्ट पिक्स में एक एडवाइस दे रहा हूँ आपको, कैंटरबरी के 7 प्लेयर ले लेना और एक टीम में बस ओटागो का डोमिनेट कराना, बाकी आप 3-4 टीम बना के कैंटरबरी का कैप्टन वाइस कैप्टन चेंज करना, श्योर शॉट आप बहुत कुछ अच्छा जीत सकते हो, ये मौका है जाने मत देना, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत लोगों को इतना सब कुछ पता ही नहीं होता है, तो मैंने आपके सामने इतना सब डिटेल इतना घंटों की मेहनत करी है ताकि आप कुछ जीत सको, तो ये मेरी एडवाइस है आपके लिए। और नंबर्स वाले प्लेयर्स मत लेना सिवाय कैप्टन ऑफ ओटागो को छोड़ के। डिफरेंशियल पिक कौन कौन सा होता है, ओटागो से नीशम, किचन और निकोल, किचन और निकोल को ज़्यादा लोग जानते नहीं होंगे, नीशम को फिर भी लोग जानते होंगे इसलिए उनको ले लेंगे। यहाँ से जॉनस्टन, एस्टल, क्रिस बॉस एंड एलिस ये कैप्टन है जो, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग आपको कैप्टन वाइस कैप्टन में बेन स्टोक्स रखेंगे, उसके बाद का चॉइस सब कन्फ्यूज़ रहेंगे, मैं आपको इतने ऑप्शंस दे रहा हूँ ताकि आपको ये एडवांटेज रहे बाकी लोगों के ऊपर। तो हम चलते टीम्स पे, हमने 3 टीम्स बनाई हैं, 3 टीम्स का कॉन्सेप्ट वही है, मैंने कोशिश करा है मैं आपको 7 प्लेयर्स कंफर्म दे सकूँ एक एक टीम के। तो पहली टीम दिखाऊंगा ये कैंटरबरी के, मैं हमेशा कैम फ्लेचर को लूँगा, और अगर मैं आपको एक सेकेंड अगर मैं आपको परसेंटेज दिखाऊँ तो परसेंटेज में आप 28% डी बॉर्डर ने लिया, लोगों ने कैम फ्लेचर को ज़्यादा लिया 71% ने, तो और यही एक अच्छी चॉइस भी है। यहाँ से देखो आप, अब लोगों ने क्रेडिट से सॉर्ट करा होगा, 25% लोगों ने लिया है, ये है ही नहीं हेनरी निकोल्स, नील ब्रूम अच्छे ऑप्शन है, रोब निकोल अच्छे ऑप्शन है, टॉम लेथम है नहीं, आई डोंट नो कितने लोगों ने लिया, 22% ने, अनारू किचन मैं बता चुका हूँ इनके बारे में, और चैट बोयस ये अच्छे ऑप्शन है, अनारू किचन 46% बहुत कम है अभी भी इनके हिसाब से जो ये परफॉर्मेंस देते हैं, एंड हैमिश रदरफोर्ड। ये जो आखिरी के हैं अब कौन कौन नहीं है आप देख लो, मैकलोर नहीं है, बॉयल नहीं है, लियो चार्टर है, माइकल डेविडसन है, ब्रैड विल्सन नहीं है, तो 3 प्लेयर्स यहाँ से नहीं है, और यहाँ से टॉम लेथम नहीं है, और हेनरी निकोल्स नहीं है, 5 प्लेयर यहाँ से नहीं है, बाकी आपके पास ऑप्शन है आप ले सकते हो। ये सबसे कन्फ्यूजन होगा यहाँ पे ऑलराउंडर्स में, ये सारे प्लेयर्स जिन पे मैं टिक लगा रहा हूँ आप सबको ले सकते हो, काफ़ी अच्छे हैं यहाँ तक, ये है नहीं, हिक्स हैं लेकिन नए प्लेयर हैं, मुझे नहीं लगता कुछ खास है इनका, मैंने चूज़ किए, मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है ये, इसीलिए जब आप टीम बनाओ टीम में वेरिएशन जो आएगा वो ऑलराउंडर्स में आएगा और यही आपको मैच जिताएंगे। तो जब मैं कैंटरबरी के हिसाब से बनाऊंगा तो 2 कैंटरबरी के लिए, मैं 3 भी ले सकता था लेकिन 7 से ज़्यादा प्लेयर हो जा रहे थे इसलिए, अब वहाँ डी बॉर्डर को लेके 3 ले सकते हो। यहाँ पे जिमी नीशम लिया है मैंने, जो मैं मिस कर रहा हूँ ये माइकल रिपोन बहुत अच्छा ऑप्शन है, और मैं इसलिए यहाँ से मैकॉन की भी ले सकता हूँ लेकिन नीशम बैटिंग भी करते हैं, और एक चीज़ मैं और बता दूँ, माइकल रिपोन बैटिंग में ओपनिंग आ रहे हैं तो ये एक अच्छा ऑप्शन है, और जब मैं ओटागो के हिसाब से टीम बनाऊंगा तो मैं इनको ओपन में रखूंगा। कैंटरबरी का ओपनिंग क्योंकि प्लेयर्स काफ़ी बदले हैं तो अभी बैटिंग ऑर्डर एज सच डिसाइडेड नहीं है, पिछली बार के काफ़ी सारे प्लेयर्स नहीं हैं इस टीम में इसलिए कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन पिछली बार रिपोन खेले थे और ओपन करे थे ऑलमोस्ट सारे मैचेस में, तो इसलिए रिपोन को ओपनिंग है, तो जब मैं ओटागो के हिसाब से टीम बनाऊंगा तो इनको कैप्टन वाइस कैप्टन दूंगा, और प्लस इनको ओपन है तो इनका ऑप्शन ज़्यादा होगा। बॉलिंग में तो काफ़ी खिचड़ी मची हुई है, अब देखिए कौन, मैट हेनरी नहीं है, नील वैगनर नहीं है, क्रिस्टी वोल्जन नहीं है, नटॉल नहीं है, चार नहीं है, डफ़ी हैं, जिम इंसन नहीं है, क्रेग नहीं है, शिपली नहीं है, रे नहीं है, स्मिथ नहीं है, हाँ सारे मैंने आपको बता दिए जो नहीं है। अब जो है उनमें से मैंने टिम जॉनस्टन, जैक हंटर और विल विलियम्स यही लिए हैं, ये सब पिछली बार खेले थे, मैंने वही प्लेयर लिए हैं, मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, शायद विल विलियम्स को ना खिलाया जाए, लेकिन मेरे हिसाब से मैं पिछली बार वाले प्लेयर ले रहा हूँ आपके पास ऑप्शन, मैंने सब कुछ आपको डिटेलिंग में बता दिया, बस ये मत लेना जैसे यहाँ पे मैट हेनरी को आपने सेलेक्ट कर लिया, ऐसा मत करना कि मतलब बेसिक्स गलत कर दो, ये सब मत करना क्योंकि ये पिछली बार है नहीं ये लोग, तो ये गलती मत कर लेना बस। तो ये 7-4 का कॉम्बिनेशन है, काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन लग रहा है मुझे,
इनफैक्ट सॉरी ये 6-5 का कॉम्बिनेशन है कैंटरबरी के हिसाब से, तो कैंटरबरी का कैप्टन और वाइस कैप्टन, ये टीम्स बहुत अच्छी बन रही हैं इनफैक्ट ये टीम बहुत अच्छी ऑलराउंडर्स के बेसिस पे भी, तो टॉड एस्टल वाइस कैप्टन है, बेन स्टोक्स, आपके पास ऑप्शन बहुत सारे हैं आपको मैं बता चुका हूँ, अनारू किचन बहुत अच्छा ऑप्शन है जब ओटागो की तरफ से टीम बनाओगे, और डिफरेंशियल पिक्स मैं दे दिए थे अपने, आप जिमी नीशम को भी बना सकते हो, तो ये एक टीम बन गई। इसमें आप एक प्लेयर और ले सकते हो चेंज करके, तो पूरा कैंटरबरी का हो जाएगा, ये कैप्टन वाइस कैप्टन कैंटरबरी के, इसलिए कैंटरबरी के हिसाब से टीम है ये। सेकेंड टीम है ओटागो के हिसाब से, इसमें भी कीपर मैंने वही रखा है कैम फ्लेचर को, और यहाँ से मैंने दोनों उनके मेन प्लेयर ले लिए, नील ब्रूम और रॉम निकोल जो कैप्टन है, अनारू किचन सॉरी, ये तीनों प्लेयर्स बहुत ज़रूरी हैं इनके, और मैं इनफैक्ट चार प्लेयर लिए हैं अगर आप देखो, हिमेश रदरफोर्ड भी ले लिया है, तो मेरे हिसाब से ये चारों खेलेंगे। चैट बॉयस का ही एक ऑप्शन है जो मिस कर पाया हूँ मैं, क्योंकि मुझे ऑलराउंडर तीन चाहिए थे और मुझे ऑलराउंडर चाहिए ही चाहिए, इसलिए मैं ये चार ही प्लेयर्स लेके आगे बढ़ गया। पिछली बार ब्रैड विल्सन एक मैच में कैप्टन भी थे यहाँ पे जो आपको नाम दिख रहा है, लेकिन ये है नहीं इस बार स्क्वाड में अभी तक, तो इनको मत लीजिएगा। ऑलराउंडर्स में क्योंकि मैं ओटीजी के हिसाब से टीम बना रहा हूँ, नीशम और रिपोन को लिया है मैंने, आपको ऑप्शंस में बता चुका हूँ, बेन स्टोक्स तो मैंडेटरी पिक है ही है, आप चेंज कर सकते हो बेन स्टोक को किसी के साथ भी, थोड़ा डिफरेंशियल भी हो जाएगा, और बॉलिंग में सेम ऑप्शन है जो मैंने पिछले में लिए थे, कैप्टन अनारू किचन है और वाइस कैप्टन जिमी नीशम है, प्रीव्यू देख लो आप, ये ओटीजी के हिसाब से है। एंड थर्ड टीम है मेरी एक कॉम्बिनेशन, लेकिन थोड़ा सा ग्रैंड लीग की तरफ जाता हुआ, क्योंकि कैप्टन वाइस कैप्टन मैंने थोड़े से चेंज कर दिया, यहाँ से मैंने रदरफोर्ड हटा के, अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, ब्रूम निकोल किचन एंड फोर्थ में चैट बॉयस, ये चार हो गए। यहाँ मैंने क्या किया, मैंने दोनों ही छोड़ दिए, ये दोनों रिस्की है लेकिन ग्रैंड लीग खेलना है तो थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा, और रिपोन और टॉड एस्टल को लिया। तो जब आप छः टीम बनाओ मैं तो कहूँगा आप छः टीम्स के साथ खेलो, सब में ऑलराउंडर कॉम्बिनेशन बदल दो, एक में स्टोक्स को हटा दो, एलिस को रख लो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे खेलते हो, ये आपके इसका ऑप्शन है, और बॉलिंग में आपके वही तीन प्लेयर्स हैं क्योंकि उसके अलावा मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है किसी पे। कैप्टन रिपोन है, इसलिए कैप्टन भी थोड़े अलग है, मैंने बेन स्टोक्स को नहीं रखा, आप देख रहे हो 90% लोगों 40% लोगों ने बेन स्टोक्स को रखा है, काफ़ी कम है, आइडियली इनको सबको रखना चाहिए। तो ये हाँ एक चीज़ हो सकता है कि शायद इनको कुछ इश्यूज़ की वजह से ना खेला जाए, फिट हैं और खेलना चाहिए, अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी यही कह रही है, तो एक टीम में इनको हटा भी दीजिएगा, तो अगर कल को कुछ हो जाता है सुबह कुछ लीगल क्लेम की वजह से इनको नहीं खेलने दिया जाता तो भी आप बच जाओगे एक टीम में, तो वो रखिएगा। ये थर्ड टीम हो गई, एक बैलेंस टीम है, बैलेंस है ज़रूर, और इसमें बस कैप्टन वाइस कैप्टन मैंने थोड़ा सा रिस्की रखा है, रिपोन ओपनिंग करेंगे इसे रिपोन और टॉड एस्टल, तो ये मेरी तीन टीम्स हो गई। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, लग गई मेरी पूरी दिन की, बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में, इस वीडियो से ज़्यादा इस कंटेंट को आपको देने में, और प्लीज़ आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और मैं बोलता नहीं लेकिन मैं इस बार ये भी बोलूँगा कि प्लीज़ शेयर करना, लोगों को अवेयर कराओ इस चीज़ के बारे में, एटलीस्ट कोई लोग आके देखें और अप्रिशिएट करें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और मैं आपके लिए इससे अच्छा ऐसा ही कंटेंट, इससे अच्छा कंटेंट इनफैक्ट और लाता रहूँगा, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है ये सारी चीज़ें, और खासकर डोमेस्टिक मैचेस देखने में, आप समझ आ रहा होगा आपको, जिन प्लेयर्स के बारे में आप जानते नहीं थे ABCDB उनके बारे में आपको काफ़ी कुछ नॉलेज हो गई है इस वीडियो के बाद, और मेरे हिसाब से इस बार वीडियो के नीचे कमेंट्स नहीं आएंगे कि प्लीज़ वीडियो छोटा करो, क्योंकि मुझे नहीं लगता मैं इसे छोटा कर सकता था इतनी सारी इन्फॉर्मेशन के साथ। सो हम मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द, मैं कोशिश करूँगा जितना भी कवर कर पाऊँ ODD कप में, फोर्ड ट्रॉफी में मैं आज के लिए यही मैच कवर करूँगा, तो अगले मैचेस में मैं शायद और कवर करना चाहूँगा नेक्स्ट से, तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।